नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डे एनयूएलएम स्कीम के बारे में। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे किस तरह अगर कोई बेरोजगार है किसी शहर बड़े शहर में, तो वो इस योजना का लाभ किस तरीके से ले सकता है और किस तरीके से उसको 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिल सकता है। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं, यह जो योजना है ये माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। माइक्रो इंटरप्राइजेस मतलब यानी बहुत छोटे वर्ग में जो व्यापार कर रहे हैं, जैसे नाई की दुकान हो गई, जूते सिलने की दुकान हो गई, या कोई जो रेड़ी लगाते हैं उन लोगों की दुकान हो गई, इस तरह के जो व्यापार होते हैं उनके सपोर्ट के लिए यह योजना है। जनरली इसके अंदर स्ट्रीट वेंडर कवर हो जाते हैं क्योंकि जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख रुपये तक की रहती है, तो इसलिए ये लोग इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम में STSC और वुमेन इन लोगों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है, यानी कि टोटल जितने भी लोन होंगे उसके अंदर कुछ प्रतिशत इन लोगों के लिए रिजर्व है। तो यानी अगर यदि आप STSC में या आप लेडी इंटरप्रेनर हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट इसके अंदर क्या है कि जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख रुपये तक की है। जैसे कि पानी पूरी बनाने की एक मशीन आती है जिसकी कॉस्ट 70-80 हज़ार रुपये होती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप इस योजना के अंदर ले सकते हैं और अपना खुद का कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर आपको किसी तरह की कोई कोलैटरल नहीं देनी होती है। आपको ये लोन विदाउट कोलैटरल मिलता है। जो कुछ भी आप एसेट क्रिएट करेंगे उसी पर बैंक अपना हाइपोथेकेशन रखेगा। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, आपको सिर्फ 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन मिलता है। अब इसके अंदर जो सब्सिडी है वो सब्सिडी ऐसे कैपिटल की जगह आने की जगह, मान के चलिए आपने ये लोन किसी बैंक से लिया है, बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 5% का जो डिफरेंस है 7 और 12 का वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट है गवर्नमेंट पे करती है बैंक को। आपको तो 7% ही देना है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वही आपकी सब्सिडी है। लोन रीपेमेंट इसमें 7 साल तक का हो सकता है। मान के चलिए आप कोई मशीन लेकर आए हैं, जैसे पानी पूरी बनाने की मशीन लेकर आए, तो आप 7 साल तक उसको रीपेमेंट कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं अगर यदि आपके पास पैसे हैं तो। इसके अंदर आप ऐसे वर्किंग कैपिटल ले सकते हो, मतलब CC लिमिट की तरह आप इसको ऐसे लिमिट यूज कर सकते हो। अगर यदि आप कोई मशीनरी लगा रहे हैं तो आप टर्म लोन ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, मान के चलिए आप किसी तरह की कोई मशीन लेकर आए 1 लाख रुपए की, तो उस पर बैंक की आप अगर यदि NULM स्कीम में उसको अप्लाई किया है आपने, तो बैंक उसमें 90,000 तक आपको फाइनेंस कर देगा और 10,000 के करीब का मार्जिन आपको लाना होगा। तो इस तरीके से आप अपना व्यापार 10,000 रुपये में ही सेट कर पाएंगे। अब इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जो अर्बन लोकल बॉडी से ULB, यानी कि जो हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक बॉडी फॉर्म्स होती है, वह अगर यदि आप NULM स्कीम के अंदर लोन अप्लाई करते हैं उसके थ्रू, तो आपको वो 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग देती है, एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है बिजनेस के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, जो कि आपके खुद के व्यवसाय में काफ़ी लाभदायक है। हाँ, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका सिविल डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके सिविल में किसी तरह का कोई ओवरड्यू अमाउंट या सिविल पहले आपने कोई लोन लिया हो वो ख़राब हो गया हो, तो आपको इस स्कीम में उपलब्धता नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्योग आधार या किसी भी तरह का जो व्यवसाय आप शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप वेंडर है तो वेंडर लाइसेंस, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। इसके अंदर NULM में क्या रहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर एक टास्क फोर्स गठित की जाती है। जो टास्क फोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, जिसके अंदर जो आपकी जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष रहता है वह उसका चेयरमैन रहता है। आप किसी भी सरकारी गैर सरकारी बैंक में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर यदि आप इसको अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर करेंगे तो जिन लोगों को NULM के बारे में पता नहीं है तो शायद उनको पता चल जाए और वो इस योजना का लाभ ले पाए। तो प्लीज़ आप इससे मेरा
ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके एक तरीके का सोशल वर्क का काम कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।